अभी हम अयोध्या में हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं 2019 के चुनाव को लेकर। क्या वो मोदी सरकार के प्रति दोबारा से वोट करेंगे, मोदी को दोबारा लेके आएंगे, या उसके अलावा उनके मन में क्या है, ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सागर श्रीवास्तव। सागर जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो हम लोग ओठी डालने नहीं जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर नहीं बनता है, अगर बन जाता है, अगर सरकार कोई पॉजिटिव करती है। पॉजिटिव करती है तो उसका स्वागत है। तो 2019 के लिए क्या कहेंगे? 2019 पहले मंदिर फिर सरकार। अच्छा, पहले मंदिर फिर सरकार। जी। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम तेज बहादुर दास है। तेज बहादुर जी, क्या है आपको, क्या लगता है 2019 में? हम लोग का जब ले मंदिर बनेगा नहीं तब ले सरकार को हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। मंदिर बनाए देने के बाद सरकार बनाएंगे। अच्छा अच्छा, आप इधर आइए भाई साहब, आपका अपना नाम बताएं। हमारा नाम राम कुमार यादव है। हाँ जी, क्या आपको 19 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर बने चाहिए और क्या। मंदिर बने चाहिए तभी सरकार बनी। हाँ, अब मंदिर नहीं तो सरकार ना बनी। ना बनी तो जब से आए 4 साल से तब से मंदिर है। इधर आइए ना, शर्मा का रहे शर्मा, ये नहीं आप बताइए। हमारा नाम संत कुमार यादव है। हाँ जी संत कुमार जी, क्या कहते हैं 19 को लेकर? अरे मुन्नेश में ये बनवाई है तो है ना, मंदिर खाली उकरत है अपने वोट के लिए, दौड़त है कि हाँ इसे हफा उड़ाओ मंदिर, ये थोड़ो बनवाई है। 4 साल हो गए कहूँ नाव लिहिन, एक रोज मोदी आए, योगी तो 2-4 रोज आए, आ चुकी अयोध्या नहीं आए, नहीं आए। हाँ योगी तो कम से कम साफ सफाई सब तो करवाओ बाटे। योगी के काम से आप लोग खुश हैं? हाँ, योगी के काम से हम लोग खुश हैं। उम्मीद है राम मंदिर को लेकर? हाँ, योगी अगर चाहिए हैं तो बन जाए मंदिर, और योगी ना चाहिए तो ना बनी। योगी तो चाह रहे हैं, वो कह रहे तो राम। हाँ तो बनवा दे हैं, साधु हूँ सब साधु, ये कोई जी बनी सकत है, और जनता पूरा। अच्छा, जनता पूरा एक हो जाए और साधु एक हो जाए। हाँ, तब तो मंदिर बन जाएगा। वोट है तुम्हारा? जी। क्या नाम है? हरिओम तिवारी। हरिओम तिवारी, कहाँ करेंगे 19 में, वोट देंगे नहीं देंगे? जब तक ले राम मंदिर बनेगा नहीं तब तक ले वोट नहीं मिलेगा। राम मंदिर नहीं तो वोट भी नहीं। ये अच्छी बात है, राम मंदिर के प्रति अयोध्या के लोगों की ये जो समर्पण है वो देखने वाला है। हाँ, क्या कहते हैं मंदिर पे? हाँ, अपना नाम बताइए। राहुल तिवारी। राहुल तिवारी, क्या कहना है 19 में, वोट किसको देंगे? 19 में अगर बीजेपी राम मंदिर बना देती है तो मंदिर उसको वोट मिलेगा, अन्यथा जिस प्रकार से आज सभा हुई विश्व हिंदू परिषद की, इसी में से कोई नेता चुना जाएगा और समस्त हिंदू भाई उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, फिर मंदिर बनेगा। अगर बीजेपी बना देती है तो हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, मंदिर के लिए यहाँ के लोगों की शर्त ये है कि जो मंदिर बनाएगा वही वोट पाएगा। कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, ये पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। क्या कहना है, किसको वोट मिलेगा? पहले मंदिर फिर सरकार। पहले मंदिर फिर सरकार। जी, ये तो कल वाला नारा है उद्धव ठाकरे वाला। जी बस वही नारा, पहले भी आपका यही नारा है। हाँ, आप क्या कहते हो? हनुमान जी का मूर्ति है पहलवान ने, देखो डाला हुआ है, कितना सुंदर ये युवक है। हर घर भगवा छाएगा, राम राज जब आएगा, जय श्री राम जय श्री राम। मंदिर को लेकर आपको क्या कहना है मोदी जी से? मंदिर लेकर मोदी से नहीं कहना, योगी जी से कहना है कि योगी जी मंदिर को जल्दी बनवाएं बस। और 19 में किसको वोट देने वाले हैं? अरे भाजपा को देना है। मंदिर वोट बनेगा, वो बनेगा। हाँ, मुकेश कुमार श्रीवास्तव। हाँ, क्या कहते हैं मंदिर के, हम सरकार से अपील करते हैं कि मतलब मंदिर बनवाए, वो मंदिर बनवाए तो हाँ तभी वोट पड़ेगा। मंदिर नहीं तो वोट नहीं। हाँ बिल्कुल। ये नाम बताइए। हमारा नाम मनोज कुमार सैनी। क्या कहते हैं मनोज जी? हमारा ये कहना है कि जैसे मुसलमान भाई जो है एक बार ये कहते हैं कि विवादित स्थल है, और विवादित स्थल जैसे वहाँ पे नमाज नहीं अदा करेंगे तो हमारा और ये मुसलमानों से झगड़ा किस बात का है? वो पूरा लिखित रूप में दें, उनका लिखित रूप में ये होना चाहिए कि ये विवादित स्थल है, हम यहाँ पे नमाज अदा नहीं करेंगे, यहाँ मस्जिद नहीं बनना चाहिए। वो पूरा लिखित दें कि ये राम जन्मभूमि को ये पूरी ज़मीन देना चाहिए। हमारा 2019 में किसको वोट आप करने वाले? हमको अभी वोट से नहीं मतलब, हमको मंदिर से पहले मतलब है, हमको मंदिर चाहिए। अगर ये सरकार मंदिर बना देगी तो वोट इसको देंगे? पहले मंदिर उसके बाद में वोट, जो मंदिर बनवाएगी उसको हम वोट देंगे। नहीं डालेंगे मंदिर? बिल्कुल नहीं डालेंगे भाई।
क्यों वोट डालेंगे? ये अच्छी बात है, ये कह रहे हैं कि वोट भी नहीं डालेंगे मंदिर। अरे शर्मा क्या कहती हो, 19 में किसको वोट देना है? भैया मंदिर बनेगा तभी वोट देंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं वोट देने। अब की बात वोट देने नहीं जाएंगे? नहीं। तो जो अभी मुख्यमंत्री है यूपी के, इनके काम से खुश हो? हाँ इनके काम से तो खुश है। इनके काम से खुश? हाँ इनके काम से। उम्मीद है मंदिर को लेके? हाँ। अभी जो आज सभा हुआ है मोदी जी से उम्मीद नहीं है? उम्मीद है, लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन होने वाला है ना, पता नहीं कौन सरकार आए। अच्छा सरकार का उम्मीद अभी नहीं है? अभी नहीं, अब मंदिर के ऊपर था की उम्मीद नहीं है, योगी का है। मंदिर बनेगा तो सरकार? हाँ मंदिर बनेगा तो सरकार आएगी, क्योंकि अभी हम जन्मभूमि आज तक नहीं गए हैं, जब मंदिर बनेगा तभी जाएंगे। ये देखिए इनकी बात, ये यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? अयोध्या साल हो गया। यही की है या ससुराल है? यहाँ ससुराल है, यहाँ पे इनकी ससुराल है अयोध्या में 20 साल से, और आज तक ये उस जन्मभूमि के स्थान पर नहीं गई हैं जहाँ राम जी का मंदिर अब तक नहीं बन पाया, और वो कह रही है हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक मंदिर नहीं बनेगा, और वोट भी नहीं देंगे जब तक मंदिर नहीं बनेगा। आप क्या कहते हो मंदिर निर्माण को लेकर? मंदिर को, वोट को, चुनाव को, 19 में क्या होगा? नहीं 19 में तो उम्मीद यही की जा रही है कि मंदिर निर्माण होगा, इसके बाद सरकार बनेगी। मंदिर निर्माण नहीं तो वोट नहीं? वोट नहीं, सीधी सी बात है भाई। कई मर्तबे गवर्नमेंट हमने बनाई इस उम्मीद में कि जो है मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या का मेन प्रश्न, हिंदुत्व का मेन प्रश्न मंदिर का निर्माण है। अच्छा मंदिर के लिए ही वोट पड़ेगा इस बार? श्री राम भगवान का हम चाहे थे, हमारे अयोध्या भवन में रहा है, हम उनका दर्शन करते थे, उनके लगे हम चाहे थे रहे मंदिर में। हाँ बहुत बिल्कुल है, परिक्रमा करे, भगवान के दर्शन करे, उन्हें के पास हम रहे तो उन्हें हम स्वतंत्र हैं। हम और कहना चाहते, हम हनुमान जी महाराज के चाहते, भगवान का राम भगवान के चाहे थे। हाँ राम भगवान का, राम भगवान का मंदिर बन जाए, राम भगवान का हम चाहे थे हमारे भवन में रहें। हाँ हो जाए पक्का है। जी बताइए, पूछिए आप। कहा के वोट को 19 में, 2019 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे किसको? ये लोकसभा की तैयारियां चल रही है, और कहाँ राम मंदिर बन रही है, बेचारे आए जनता वहाँ पैर से लंगड़ा रही है, चल नहीं पा रही है, जा के कहाँ कहाँ बेचारे बैठ गए हैं नाली कूचा में, फालतू का करने के लिए भीड़ बटोर लेते हैं जब कोई काम नहीं। जब अदालत में मामला चल रहा है, कैसे वर्ष से चल रहा है आप बताइए पहले। नहीं, जो अदालत तो, अदालत का रुख तो ऐसा है कि वो तो हिंदुस्तान की अदालत को आप मानते हैं ना? हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को आप मानते हैं? हम तो मानते हैं। अदालत का अपना एक दायरा है, अदालत कभी भी उस अदालत को समझ लीजिए। जी जी। कि अदालत जो बाकी लोग भी समझ लें कि अदालत केवल बने हुए कानूनों पर फैसले देती है। जी। राम मंदिर का मामला पहला मामला है। जी। इससे पहले कोई मामला नहीं था, तो उसको लेकर कानून भी नहीं है। जी जी जी। तो अदालत से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जी। वो जमीन का विवाद वहाँ चल रहा है, उसमें भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो पुनः कार सेवा किया जाए क्या राम मंदिर बनवाने के लिए भी? जैसे बाबरी मस्जिद जी, सरकार को क्या संदेश है? तो सरकार को संदेश वोट, वोट बैंक की राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में पूरी तरह से। जनता को गुमराह किया जाता है। मेरा नाम अनिल यादव है। अनिल जी, और जी। क्या मतलब 19 को लेकर जैसे बाकी लोगों ने कहा कि हम अगर राम मंदिर बनेगा तो वोट देंगे, राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं। बनेगा तब भी वोट दिया जाएगा, नहीं बनेगा तब भी वोट दिया जाएगा, नहीं कोई चोर बैठ जाएगा कुर्सी पे क्या किया जाएगा? मोदी जी तो अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। अच्छा काम से आप संतुष्ट हैं? और क्या, बिल्कुल संतुष्ट है। कम से कम चोरों के ऊपर लगाम तो लगा के रखा है उन्होंने। और योगी जी के काम? योगी जी का भी कार्य अच्छा चल रहा है। कार्य अच्छा है जी। मंदिर को लेकर आप? मंदिर निर्माण तो करवाएंगे ही करवाएंगे, राम जी की जब इच्छा होगी तब वो करवा लेंगे, वो किसी के करने कराने की बस की बात नहीं है, ना हमारे ना किसी की। और अभी योगी जी और मोदी जी चाहें तो क्षण भर में राम मंदिर बन जाएगी, क्षण भर में। अच्छा जो अभी अध्यादेश लाने की बात हो रही है उससे कुछ उम्मीद है? तो पहले SC ST वाला ले आए, अब देखिए हो सकता है राम मंदिर वाला भी ले आए। उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ तो बाकी और किसी को इस बारे में कुछ कहना है आपको, कुछ और बोलना है? ठीक है, हम बोधे हमें कहा है कामें ना, हम बोधे हम राम भगवान के बिल्कुल अच्छे से हृदय से अपना चाहे थे, और हमारे मंदिर बन जाए तो हम सब वहीं दर्शन कर रहे। हाँ मंदिर बने, राम मंदिर बन जाए। तो यहाँ के तो सभी लोगों की एक राय है कि हमारा वोट से मतलब तभी है जब यहाँ राम मंदिर बनेगा। अभी उन्होंने बताया कि वो 20 साल से यहाँ रहती हैं, लेकिन कभी राम जन्मभूमि के उस स्थान पर नहीं गईं क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं है। उन्हें रामलला को टेंट में देखना अच्छा नहीं लगता, उनके स्वाभिमान के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं गई है। उसी तरीके से बाकी लोगों का भी यही कहना है
कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं मोदी जी को भी और उनके बाकी साथियों को भी कि आपके पास मौका है, शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लेकर आइए और उस जगह भव्य मंदिर बनाइए जहां पर राम लला को टेंट में रखा गया है अभी तक, वो टेंट जल्दी ही हटना चाहिए, ऐसा यहां के लोगों की एक राय है। अयोध्या के नौ नटिया से अभी तक सिर्फ इतना। कलीगंज नटिया से कहाँ है मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। जय श्री राम।